नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल यूनिक स्टार पे। दोस्तों मैं देवप्रकाश आज आप लोगों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास 2018-19 लेकर आया हूँ। दोस्तों हम लोग अक्सर किसी भी मैगजीन वगैरह में देखते हैं संयुक्त सैन्य अभ्यास कई दिए रहते हैं, लेकिन वो हमें याद नहीं हो पाता है कि कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास किस देश के साथ हुआ, किस सेना के साथ हुआ। आज वह सारी चीज़ें मैं क्लियर कर दूंगा। एक बार देखने के बाद आपको सारे के सारे, बस नाम सुनते ही आप संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम सुनेंगे और बता देंगे कि किस देश के साथ हुआ है, क्योंकि एक तरफ भारत होगा, एक तरफ कोई अन्य देश होगा। दूसरी चीज़ कि इस चीज़ को याद करने के बाद, चाहे जब भी यह अभ्यास होगा, सिर्फ इसका क्रम बदलेगा, इसके जो है जैसे यहाँ पे देखिए अलनागा थर्ड लिखा हुआ है तो वो फोर्थ हो सकता है, लेकिन होगा उसी सेना और उसी देश के साथ। तो आगे बढ़ते हम लोग देखते हैं सैन्य अभ्यास 2018-19। सबसे पहला सैन्य अभ्यास मैंने लिखा है सिम्बैक्स 2019। तो याद रखिएगा सिम्बैक्स, देखिए सी से सिंगापुर आ गया ना, अब देखिए सिंगापुर आ गया और भारत तो फिक्स है कि भारत रहेगा ही, तो सी से सिंगापुर और सिम्बैक्स किसके साथ होगा, सिंगापुर और भारत में होगा सैन्य अभ्यास नौसेना। आगे बढ़ते हैं सिम्बैक्स के बाद वरुण। अब देखिए वरुण भारत और फ्रांस के साथ नौसेना का एक युद्धाभ्यास है, और वरुण जो है यह फ्रांस, हम कह दें वरुण धवन को तो आप लोग जानते होंगे और आलिया को भी जानते होंगे, वो बड़ा सुपरहिट जोड़ी है। दोस्तों हम कह दें कि वरुण धवन आलिया के साथ फ्रांस चला गया, वरुण कहाँ चला गया, आलिया के साथ फ्रांस चला गया, यानी फ्रांस और भारत के बीच ये हमारा युद्धाभ्यास है वरुण 2019। अब वरुण हमेशा फ्रांस के साथ ही होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। बोल्ड कुरुक्षेत्र भारत और सिंगापुर के साथ है, थल सेना का है, याद रखिएगा। कुरुक्षेत्र भारत में है ना, कुरुक्षेत्र भारत में है, और बोल्ड सिटी कौन है सिंगापुर। तो बोल्ड सिटी सिंगापुर, बोल्ड कुरुक्षेत्र भारत और सिंगापुर, युद्धाभ्यास बड़े आराम से याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं मित्र शक्ति सिक्स 2019 में हुआ था। दोस्तों ये मित्र शक्ति जो सिक्स है, यह भारत व श्रीलंका के बीच होता है थल सेना। याद रखिएगा कि भारत जो हमारा है, इस तरीके से अगर देखा जाए तो हमारा जो भारत है यहीं पर एक देश है जो कि श्रीलंका के नाम से जाना जाता है। यह श्रीलंका और भारत के बीच मित्र शक्ति के नाम से युद्धाभ्यास होता है, और मित्र शक्ति युद्धाभ्यास भाई मित्र के साथ हो रहा है ना, श्रीलंका तो हमारा मित्र है, तो कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच मित्र शक्ति है। आगे बढ़ते हैं और याद रखिएगा यह थल सेना के बीच होता है, मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच थल सेना का एक युद्धाभ्यास है। अब देखिए आते हैं ये ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच एक नौसेना का अभ्यास है, ऑसिन डेक्स। देखिए यहाँ से अगर देखें तो ऑस्ट्रेलिया और यहाँ से देखें तो इंडिया है ना, तो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच होता है ऑसिन डेक्स, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच नौसेना का अभ्यास है। देखिए नाम में ही छिपा है देश का, तो इसलिए एक बार में याद कर लीजिए, हमेशा यही होगा। अब देखिए नाम में आपको दिख गया ऑसिन डेक्स, दिखिया ना। अब आगे बढ़ते हैं 2019 के बाद अलनागा थर्ड भारत और ओमान, याद रखिएगा ओमान एक स्वर है ओ, और अलनागा भी एक स्वर है। दूसरी चीज कि ओमान मुस्लिम कंट्री में जब भी कोई शव होता है वो दफनाया जाता है, और दफनाए जाने वाले स्थान को हम कब्रिस्तान या कबूरगाह बोलते हैं अपने शब्दों में देखा जाए तो अलनागाह और कबूरगाह कहाँ, ओमान में, थल सेना के बीच होता है अलनागाह ओमान में, यानी ओमान और भारत के बीच अलनागाह कबूरगाह याद रखिएगा, बड़े आराम से दोस्तों याद हो जाएगा, थोड़ा मजे लेकर के पढ़ते हैं, देखिए बड़ा आनंद आएगा। संप्रीति अब देखिए संप्रीति भारत और बांग्लादेश, ये भी हमारे पड़ोसी देश है, हमारा एक पड़ोसी देश है संप्रीति। अब देखिए हमारे यहाँ इस समय पीएम कौन है, आदरणीय मोदी जी है। बांग्लादेश में कौन है, शेख हसीना। अब हसीना और मोदी जी, तो जाहिर सी बात है संप्रीति युद्धाभ्यास ही होगा भारत और बांग्लादेश, मोदी और शेख हसीना के बीच, ठीक है,
याद रहेगा दोस्तों। बस देखिए भाई, हम किसी के भी भावनात्मक चीज़ों को ठेस नहीं पहुंचाएंगे, बस हम याद करने के परिप्रेक्ष्य में चीज़ों को जोड़ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। इंडेक्स, देखिए यहाँ से इंडिया और यम से म्यांमार बन जा रहा है ना, आई से इंडिया, एम से म्यांमार, और 2018-19 में हुआ था भारत और म्यांमार के थल सेना के बीच। अब आते हैं दोस्ती। आप देखेंगे कि दोस्ती यानी कि यहाँ पे मित्र देश है श्रीलंका और यहाँ पे एक देश है मालदीव। तो भारत श्रीलंका और मालदीव के बीच होता है कौन सा, दोस्ती युद्धाभ्यास। दोस्ती अभ्यास युद्धाभ्यास यानी ये हमारे दोस्त ही तो हैं मालदीव और श्रीलंका, तो दोस्ती युद्धाभ्यास होता है कहाँ पे, भारत मालदीव और श्रीलंका के बीच। अब आते हैं कोप इंडिया। कोप इंडिया जो युद्धाभ्यास है, कोप इंडिया, यह भारत और अमेरिका के बीच होता है। याद रखिएगा अमेरिका एक शक्तिशाली देश है और उसी के साथ कोप इंडिया युद्धाभ्यास होता है। आगे देखते हैं हैंड इन हैंड 2018। हैंड इन हैंड जो होता है वो भारत और चीन के बीच थल सेना का युद्धाभ्यास है। और याद रखिएगा दोस्तों, हैंड इन हैंड हम लोगों ने एक नारा सुना हुआ है कि भारत चीनी भाई भाई। तो भाई 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 तभी होंगे जब हाथों हाथ काम करेंगे, तो भारत चीनी भाई भाई क्योंकि हैंड टू हैंड मिला करके काम करते हैं यानी हाथों हाथ काम करते हैं, इसलिए हैंड इन हैंड 2018 भारत और चीन के बीच हुआ था। और हैंड इन हैंड हमेशा भारत और चीन के बीच ही होगा और थल सेना का होगा। इंद्रा नेवी, नेवी देख रहे ना, तो नौसेना की हो गई, और इंद्र शब्द लग गया तो रूस की बात करिएगा, चाहे इंद्रा नेवी हो या फिर एविया इंद्र हो या फिर एक और इंद्र के नाम से है, इंद्र, सिर्फ इंद्र। तो हमने देखा कि इंद्रा नेवी, जिसमें नेवी शब्द लग गया तो रूस के साथ, भारत और रूस के साथ नौसेना का युद्धाभ्यास है। इंद्र शब्द भारत व रूस के बीच ही थल सेना है। इंद्र शब्द भारत व रूस के बीच ही क्या है, थल सेना। और इंद्रा नेवी लग गया तो नौसेना, और एविया इंद्र लग गया तो वायुसेना। तो तीनों युद्धाभ्यास में इंद्र लगा है और इंद्र शब्द लगते ही हम रूस के पास पहुंच जाएंगे, भारत और रूस के बीच युद्धाभ्यास। आगे देखते हैं धर्म गार्जियन, नहीं उसके ऊपर देख लेते हैं इन वज्र प्रहार। अब देखिए वज्र जो है वो इंद्र के पास होता था एक हथियार, और जब ये उनके हाथ में होता तो बड़ा शक्तिशाली होते थे। तो वज्र जो प्रहार है वह अमेरिका के पास वज्र है, जिससे कि यह भी तो बड़ा शक्तिशाली है। तो एक शक्तिशाली देश के साथ यानी कि वज्र प्रहार भारत और अमेरिका के बीच होता है थल सेना का, यह एक युद्धाभ्यास है। समुद्र शक्ति, आप देखेंगे तो भारत के नीचे समुद्र में इंडोनेशिया है और इंडोनेशिया के साथ भाई समुद्र में बसा है, तो समुद्र शक्ति का युद्धाभ्यास होगा जो कि नौसेना का, और समुद्र में होगा तो नौसेना के साथ होगा। उसके बाद देखते हैं धर्म गार्जियन भारत और जापान के साथ होता है, भारत और जापान के साथ होता है। और याद रखिएगा दोस्तों, हमारे गार्जियन ही हमको जलपान कराते हैं, जापान जलपान, तो यानी कि गार्जियन शब्द लग गया धर्म गार्जियन, तो भारत और जापान थल सेना। और एक चीज़ धार्मिक रूप से देखा जाए तो जापान का टोक्यो और बनारस का वाराणसी मैच करता है, मोदी जी ने बताया था। आगे देखते हैं नोमैडिक हाथी भारत और मंगोलिया थल सेना, भारत और मंगोलिया थल सेना के बीच। देखिए मंगोलियन जो लोग होते थे ना वो हाथी पर चढ़ करके आते थे युद्ध करने के लिए, तो नोमैडिक हाथी, कहाँ से हाथी, मंगोलिया से हाथी, और मंगोलिया से हाथी, तो कहीं ना कहीं मंगोलियन हाथी यानी नोमैडिक हाथी भारत और मंगोलिया के बीच थल सेना का युद्धाभ्यास है। हरिमऊ शक्ति भारत और मलेशिया के बीच, याद रखिएगा इसको याद करने का सिस्टम है, हरी मतलब हमारे जो देवता हैं, हरी यानी कि राम, और राम की जो वाइफ थी उनको कहते थे सिया, तो हरिमऊ शक्ति यानी हरि की शक्ति कौन थी, सिया यानी मलेशिया थल सेना। तो हरिमऊ शक्ति हरि की सीता यानी सिया उन्हीं की शक्ति थी, हरि की शक्ति कौन थी तो सिया थी यानी मलेशिया, यानी कि मलेशिया के साथ थल सेना का युद्धाभ्यास होता है। इस प्रकार से हम इन नामों को इन देश के साथ जोड़कर देख रहे हैं ताकि हमें बड़ी आसानी से चीज़ों को याद हो जाए, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे मैं और चीज़ों को बताने वाला हूँ।
अजय वॉरियर, अगर आगे देखते हैं हम लोग अजय वॉरियर, अजय वॉरियर्स यानी कि यहाँ पे वॉरियर्स का मतलब होता है योद्धा। यह भारत और ब्रिटेन के बीच होता है युद्धाभ्यास, और याद रखिएगा ब्रिटेन का गुलामी भारत ने लगभग 200 वर्षों तक किया, लेकिन अब स्थिति यह है कि भारत अपने दम पे अजय वॉरियर्स हो गया है। अब कहता है ब्रिटेन आशासन करके दिखा, यानी ब्रिटेन के साथ अब हम अजय वॉरियर्स की तरह लड़ेंगे, यानी कि कभी अब गुलाम नहीं होंगे। ब्रिटेन ही क्या, किसी देश के सामने अब गुलामी की कोई बात नहीं, क्योंकि हम क्या हैं, अजय वॉरियर हैं। किसके विरुद्ध, ब्रिटेन के विरुद्ध। आगे बढ़ते हैं, सूर्य किरण, आप देखते हैं कि यह भारत और नेपाल, भारत और नेपाल के बीच होता है, और नेपाल हमारे अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के जस्ट ऊपर है, यानी कि जो सूर्य की किरण हमारे तरफ आती है वो किधर से आती है, नेपाल से आती है। सूर्य की किरण किधर से आती है, नेपाल से आती है, यानी भारत और नेपाल के बीच थल सेना का जो युद्ध होता है वह सूर्य किरण के नाम से होता है। मिलन, देखिए कई देशों का मिलन है यहाँ पे, 9 देश हैं, भारत सहित कुल 9 देशों का मिलन है, और यह नौसेना का युद्धाभ्यास है, यह समुद्र के तटीय क्षेत्र में होता है। मैत्री, मैत्री जो युद्धाभ्यास है यह भारत थाईलैंड के बीच होता है, याद रखिएगा मैत्री। और देखिए एक मित्र था और एक मैत्री है, तो मैत्री भारत और थाईलैंड के बीच, याद रखिएगा। तो और मित्र जो है वो भारत और श्रीलंका के बीच। दोस्ती, दोस्ती भी था जो कि भारत मालदीव और श्रीलंका के बीच हो रहा था। तो इस तरीके से हमने भारत और अन्य देशों के बीच होने वाले संयुक्त युद्धाभ्यासों की बात करी, और ये सारे युद्धाभ्यास हर साल होते हैं और उसी देश के साथ होते हैं जिस देश के साथ में लिखा है। तो इस तरीके से हम युद्धाभ्यास का नाम और देश का नाम बड़े आराम से याद कर लेंगे, और इसको अच्छे से देखिए, नोट करिए कॉपी पेन उठा करके, और याद करिए एक बार, दिल लगा के देखिए, मन लगा के देखिए, मैं गारंटी देता हूं कि आप इसको 100% याद कर लेंगे, फिर कभी नहीं भूलेगा। धन्यवाद दोस्तों, आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ नया और बहुत ही इंटरेस्टेड चीज लेकर के आऊंगा। धन्यवाद।